नरेंद्र मोदी खुद एक थर्ड क्लास किस्म का आदमी है, ठीक है। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है, वो एंटी पाकिस्तान आदमी है। इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई, जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन आ जाओ, पाइन तुसी हुन आ जाओ, तो चापू आगे भेजेंगे। अभिनंदन को पूछना साड़ी चाह बड़ी चंगी। आप जो स्क्रीन पे ये बंदे को देख रहे हैं, ये मोदी को धमकी दे रहा है भाई, पाकिस्तान में खड़ा होके और मोदी को धमकी दे रहा है, बोल रहा है क्या कि अगर पाकिस्तान में मोदी आ जाएंगे तो हम उनको बता देंगे। भाई इस तरह से पाकिस्तानी बयान दे रहे हैं भाई। जमहूरिया पाकिस्तान हमेशा हिंदू के बारे में और हमेशा हमारी भारत के बारे में और हमेशा मोदी के बारे में ऐसे तमाम तरह की बातें करता है भाई, उनकी बातें सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा। चलते हैं पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं उनका वीडियो। हमारे हमसाय मुल्क भारत से पाकिस्तान के लिए एक धमकी आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को वॉर्न किया है। कारगिल मेमोरियल डे पर उन्हें स्पीच करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। अच्छा, पहले तो आप पानी शानी पिए, आप ज्यादा खतरनाक हुई भी हैं नरेंद्र मोदी से। दूसरी बात ये कि सानेहा कारगिल के अलावा कभी कोई और चीज कोट की है इंडिया ने? नहीं नहीं की। इसके अलावा उनके पास कोट करने के लिए कुछ है भी नहीं। द थिंग इज कि पाकिस्तान की जो कौम है ना, पाकिस्तान की कौम हमेशा से, अब देखिए आप यहाँ पे जिस तरह से खड़े होकर बात कर रही हैं, यू आर एक्चुअली अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, राइट? मुहिब्बे वतनी यहाँ नजर आती है। तो पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांडे ना उन्हें भड़का देने ने। अच्छा। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के, तो आप फिर आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं। नहीं, हमें जंग लड़नी क्यों है? अगर हम बात करें तो हमारी अथॉरिटीज ये बात करती हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में ही नहीं है, हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। जब हमारे ऑफिसर्स इस तरह के बयान देंगे तो डेफिनेटली दूसरे मुल्कों की तो जुर्रत और हौसला तो बुलंद होगा ना। कभी भी आपकी कौम के किसी भी ऑफिसर ने कोई बयान दिया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है, आपने कभी बैकस्टेप होते देखा पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को कभी देखा पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं। अगर बैठ गई हो तो इस दफा भी नहीं बैठेगी। इंडिया एक दफा पहल तो करे। अरे हमें जंग करनी क्यों है, मुझे ये बताएं। इतनी जंगे हमने इंडिया के साथ 3-4 जंगे लड़ी, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नुकसान उनका हुआ, हमारा हुआ, हमें क्या मिल गया? लेकिन जी कारगिल वाले टाइम के अंदर मैं एक चीज मानता हूँ कि पाकिस्तान की चंद लूपहोल्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिसकी वजह से कारगिल के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप कारगिल से पहले उसके बाद वाली जंगे देख लें, इंडिया कभी आपको डोमिनेट कर सका है? कभी कर सका है? ये तो व्यूवर्स पे छोड़ते हैं ना, ये व्यूवर्स पे छोड़ते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन आ जाओ, पाइन तुसी हुन आ जाओ, तो चापू आगे भेजेंगे। अभिनंदन को पूछना साड़ी चाह बड़ी चंगी होंगी। आपको पता है जब ये अभिनंदन वाला वाक्य हुआ तो हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा था अभिनंदन को वापस भेज दो, हमारी कैंपेन टांग रही है। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर था? हमारी आवाम का जज्बा तो हमने देखा था, अभिनंदन को जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने पकड़ के फेंटा लगाया, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो आला हुक्मरान थे, जिस तरह उन्होंने चाय पिला कर अभिनंदन को वापस भेजा, वो आपके सामने है। यहाँ से पता चलता है इंडिया की पावर का। आप मुझे ये बता दें, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे करके उसको वापस एक बात बता दें, हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो इंडिया की जेलों में कैद हैं, बाहर के मुमालिक में, कभी हम किसी को वापस ला सकें? आप डॉक्टर आफिया सदीकी की बात कर लें। आप क्या नाम है आपका? सनामजद नाम है। सना, कितने टाइम से ये चीज स्टडी कर रही हैं आप? मैं 2012 से सहाफत कर रही हूँ। 2012 से सहाफत कर रही हैं। आपको सहाफत करते हुए 12 साल हो गए, ठीक है। पाकिस्तान की जानिब से अगर एक हॉस्पिटैलिटी का प्रूफ दिया गया अभिनंदन को वापस भेज कर, ठीक है, तो आप उस चीज को ये वाला नाम तो मत देना कि भाई इंडिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभिनंदन को वापस। देखिए, मैं ये बात नहीं कह रही, हमारे सियासतदान ये बात कह रहे थे कि हमारी कांपें टांग रही है, अभिनंदन को वापस भेजो। ये मीडिया, हमारे पाकिस्तान मीडिया ने ये खबर चलाई थी। अब आप ये देखें ना, ये बात करें आप, मेरा खुद मीडिया से ताल्लुक है, मीडिया ने कभी भी कोई ऐसी खबर चलाई है कि जो जिसके 110% सच्चाई हो? आप और हम टीआरपी के लिए काम करते हैं? तो पूरी दुनिया टीआरपी के लिए काम करती है। तो मैं भी करता हूँ, मैं कब कहा कह रहा हूँ कि नहीं करती है। देखिए, मेरा
मुद्दा ये है अब के लेके 70 साल गुजर गए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। अब नरेंद्र मोदी साहब को भी इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए और अगर हम पाकिस्तान की बात करें और हमें भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीसफुल माहौल कायम करना चाहिए, जो भी मसले मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट करें। पीस आपके और मेरे कहने से नहीं आने लगा, ठीक है, पीस आता है जब दोनों पार्टी एट द सेम पेज के ऊपर आकर खड़ी हो। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है? वो एंटी पाकिस्तान आदमी है। देखिए पाकिस्तान ने कई बार ही कोशिश की है, पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से कोशिश की गई है, पैगामात भी भेजे गए हैं कि हम इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया एक ही बात कहता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जब अच्छा, तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करेगा, हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अभी भी आप देख लें दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान है, ये वो कहते हैं, और गंदा मुल्क पाकिस्तान है, रेप केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं, ठीक है, बाथरूम तुम लोगों के पास नहीं है, ये भारत वालों से मेरे ऑफेंड नहीं होना मेरी बात के ऊपर, बाथरूम इनके पास नहीं है, ठीक है, रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, इंडिया के अंदर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से, आपने इंडिया के गरीब लोग देखे? बिल्कुल देखे, हमारे मेरे जैसे गरीबों के हाथ में आईफोन होता है आजकल पाकिस्तान के, इंडिया वाले हालात देख लो, सब बकवास करने की बात है। नरेंद्र मोदी खुद एक थर्ड क्लास किस्म का आदमी है, ठीक है, आपको भी अच्छी तरह से पता है उसको किस तरह से लाया गया सीट के ऊपर। मोदी हमेशा से, मोदी इज ऑलवेज बीन अ सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस फॉर इंडिया, ये इंडिया खुद कहता है, आप बयान उठाकर देखिए। पाकिस्तानी क्या आप चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब हालात नॉर्मल होने चाहिए? क्योंकि देखिए अब हालात और वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को अपने हमसाए ममालिक के साथ बनाकर रखनी चाहिए। आपको पता है वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक ये बात कहता है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया है, जो हमसे अलग हो गए बाद में बने उनसे भी बहुत पीछे रह गया। अभी हालात और वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को अपनी नेबर कंट्री से बनाकर रखनी पड़ेगी अगर हम अपने मुल्क की पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए था ना जो, इट वाज द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड, कुछ लोगों के गलत फैसले पाकिस्तान को थोड़ा सा डाउनफॉल आया जरूर है, लेकिन वो इकबाल सब कहते हैं ना कि नहीं है ना उम्मीद, इकबाल अपनी गैफत वीरान से जरा मोहिए मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साखी। तो आप जैसे यूथ, आप जैसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने आगे चल के ऊपर आना है, पाकिस्तान के पास बहुत सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, और पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन किस्म का मुल्क है। मैं अगर भारत की बात करता हूँ ना, देखिए मेरी बात सुने, आपने क्या पे सवाल किया कि जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ताल्लुकात ऑब्वियसली देखें बेहतर होने चाहिए। आप कहीं बाहर जाए ना, दुबई के अंदर जाओ आप वर्क परमिट के ऊपर काम करने के लिए, भारत और पाकिस्तान वालों को कोई साथ देखेगा ना तो ये कहेगा यार देयर फ्रॉम अ सेम फैमिली, राइट, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते लोगों के, हमारे ट्रेडिशंस एक जैसे हैं, बात करने का ढंग एक तरह का है, यार हमारे खाने एक तरह के हैं भाई, लेकिन मिठाई इंडिया वाले ज्यादा अच्छी बनाते हैं, ये है, आप लोगों के पास मिठाई तुम लोगों की ज्यादा अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ताल्लुक को बेहतर करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। पाकिस्तान ने कितना बड़ा दिल किया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हमने बुलाया है, बुलाया है ना, वो क्या कहते हैं आगे से नहीं आना, आप वेन्यू को न्यूट्रल कर दें, या फिर आप श्रीलंका शिफ्ट कर दो, दुबई कर दो, यूएई ले जाओ मैचेस को उठा के, वरना इंडिया विल बायकॉट चैंपियंस ट्रॉफी, तो भाई कर दो, नुकसान तुम्हारा है, तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी बॉयकॉट करो, हम वर्ल्ड कप कर देंगे। एशिया कप में यही हुआ था हमारे साथ, लेकिन हमने फिर भी बड़े दिल का मुजाहिरा किया, हम वर्ल्ड कप खेलने भारत गए। अब मेरा ख्याल है भारत को बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए और पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी चाहिए, जिस तरह इंडियंस ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मेहमान नवाजी की थी, अब हमारा बनता है कि हम दिखाएं कि पाकिस्तानी कितनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। एक बात बताऊं, it's never been about the people individually, it's never been about the indian team as well, aap indian team se baat kare na agar shoaib akhtar aur harbhajan singh ki bahut achhi dosti hai, theek hai, they're like this teams hamesha ek dusre ki hospitality ki gawahi deti hain, exactly. india wale bhi, hum pakistan wale bhi, aapko pata main zindagi ke andar 3 baar india ja chuka hu, zabardast, theek hai, mere walid sahab ki paidaish india ki hai, acha, wahan se mehman aate hain hamare rishtedar india se yahan pakistan aakar stay karte hain, theek hai, itni hospitality hai wahan ke logon ke andar bhi, ये चीज मैं खुद मानता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया हॉस्पिटैलिटी के मामले के अंदर दे आर गोइंग साइड बाय साइड, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फ्रिकिंग पॉलिटिशियंस मैन, ये सियासतदानों का गंदा खेल है जो लोगों के आगे। जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो मोदी को धमकी दे रहे हैं, यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे रहे हैं, भाई ऐसे बंदे को मैं क्या बताऊं आपको, तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।